नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज, इसकी प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को पहले ही लिख लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 7 की जैसा ही है, तो थोड़ा समय बचाने के लिए हमने इसको पहले ही लिख लिया है। तो इसमें कहा गया है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। इनके हमारे पास ए बी सी डी एक आयत है। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसमें क्या है, जो विकर्ण ए सी है वो कोण ए और कोण सी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो कोण ए को समद्विभाजित करता है यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो हमने इसको नाम दे दिया कोण एक और इसको नाम दे दिया कोण दो। इसी तरह से कोण सी को भी समद्विभाजित करता है यानी कि ये कोण और ये कोण भी बराबर है, इसको हमने नाम दे दिया कोण तीन और इसको नाम दे दिया कोण चार। अब कहा गया है कि दर्शाइए कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो हमें ये दिखाना है कि ए बी सी डी वर्ग है। वर्ग में प्यारे बच्चों क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये तो इसके बराबर है ही है, अगर हम इन भुजाओं को बराबर दिखा दें, कोई से भी दो संलग्न भुजाओं को बराबर दिखा दें, तो ये सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम इसको इसके बराबर दिखा दें तो ये तो इसके बराबर पहले ही है यानी कि ये इसके बराबर भी हो जाएगी, और ये इसके बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगी, तो ये सारी बराबर हो जाएंगी। तो हमें कोई भी दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर दिखानी है। और दूसरा काम उसने कहा है कि विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो जिस प्रकार से विकर्ण ए सी ने दोनों को समद्विभाजित किया है, तो इसी प्रकार से हमें यह दिखाना है कि जो विकर्ण बी डी है वो दोनों को समद्विभाजित करता है। तो ये हमें काम करना है। तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या दिया गया है। हमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए सी और बी डी दो विकर्ण है। अब ये एक आयत है यानी कि ए बी भुजा किसके बराबर होगी, डी सी के। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और दूसरा, जो ए डी भुजा है और जो बी सी भुजा है, ए डी और जो ये बी सी है, ये भी आपस में बराबर होगी। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और क्या बताया था कि जो ए सी है कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है, यानी कि कोण एक और कोण दो आपस में बराबर हैं और कोण तीन और कोण चार हम आपस में बराबर हैं। तो ये हमें दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक बात। दूसरा के विकर्ण बी डी कोण बी और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। अब बात करते हैं पहले वाले भाग की। इसमें हमने त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी। त्रिभुज ए बी सी हम इसको अलग से कर देते हैं, त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज ले ली, एक तो ये त्रिभुज ले ली हमने ए बी सी, और जो दूसरी त्रिभुज ली है वो ली है ए डी सी। दूसरी त्रिभुज है ए डी सी, ए डी सी, तो ये त्रिभुज हमने ली है। विकर्ण ए सी ने इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटा है। विकर्ण ए सी ने इस आयत को, क्योंकि जो चतुर्भुज है वो कैसी है, आयत है, विकर्ण ए सी ने इस आयत को दो त्रिभुजों में बांटा है। एक तो होगी ए बी सी जो हमने यहाँ पे ली है और एक ए डी सी, ये दो त्रिभुजें हमने ली हैं। अब आप देखिए कि जो त्रिभुज है इसमें तो कोण एक ए बी सी में, और जो त्रिभुज ए डी सी है उसमें कोण दो बराबर हैं, दिया गया है क्योंकि समद्विभाजित करता है। इसी तरह से त्रिभुज ए बी सी में कोण तीन और त्रिभुज ए डी सी में कोण चार, ये भी आपस में बराबर है, ये भी दे रखा है। और जो ए सी है वो उभयनिष्ठ भुजा है, तो दो कोण बराबर हो गए और उनकी उनके अंतर्गत जो भुजा है वो भी बराबर होगी। तो इसका मतलब नियम लग गया सर्वांग समता का, कौन कौन सा, दो कोण यानी कि एस ए एस सर्वांग समता। ऐसे ऐसे सर्वांग समता से दोनों त्रिभुजें कैसी होगी, ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होगी। अब अगर ये सर्वांग सम होगी तो इनके संगत भाग बराबर हो गए, यानी कि जो ए बी है और जो ए डी है वो बराबर हो गए। अब देखो ए बी ये है और ए डी ये है, ये तो इसके पहले बराबर था, ये इसके पहले बराबर था। ए बी और ए डी बराबर होगी
यानी कि सारी भुजाएं बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ए बी और ए डी बराबर है किस नियम से, सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। अब देखो समीकरण एक दो और पांच से, समीकरण एक ए बी डी सी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर हो गया। अब अगर ए बी ए डी के बराबर हो गया तो ए बी बी सी के बराबर भी हो गया, तो ए बी डी सी के बराबर, यानी कि सारे आपस में ये बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बी सी सी डी और ए डी ये सारे के सारे आपस में बराबर हो गए। तो ये क्या होगी, एक वर्ग होगी, जो आयत से क्या, आयत की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो तो बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने ये इसके बराबर दिखा दिया, यानी कि ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो ये हो गया पहला भाग। अब दूसरे भाग में की बात करें, दूसरे भाग में हमें ये दिखाना है कि जो बी डी है वो कोण बी और कोण डी का, कोण बी का और कोण डी का समद्विभाजक है। अब आप इसके लिए देखो क्या करें, हम इसको अगर दोबारा से बना लें एक बार, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यहाँ से एक बार और इसको बना लेते हैं, ए बी सी और डी, ये हमारे पास ए सी और ये बी डी। यहाँ पे हमने कोण एक, कोण दो, कोण तीन और ये हमारा कोण चार। क्या कहा है, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, यानी कि हमारे पास एक तो इस त्रिभुज की बात की गई है और त्रिभुज सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी, एक इस त्रिभुज की बात की गई है, यानी कि विकर्ण, विकर्ण अब की बार यहां पे विकर्ण ए सी के दोनों ओर के त्रिभुज लिए थे, अब की बार विकर्ण बी डी के दोनों ओर के त्रिभुज लिए। अब देखो ए बी बराबर है बी सी, ए बी बी सी के बराबर है, कैसे, अभी हमने सिद्ध कर दिया ए बी बी सी के बराबर हो गए, यहाँ पे हमने सिद्ध तो किया है ए बी बराबर है बी सी, क्योंकि ये अब क्या बन गया, ये वर्ग बन गया, तो यानी कि ए बी और बी सी आपस में बराबर है, सिद्ध किया है। बी डी बराबर है बी डी, ये उभयनिष्ठ है, और ए डी और सी डी आपस में बराबर है, ये भी हमने सिद्ध किया है, क्योंकि ये सारी बराबर होगी, ए डी, ए डी और सी डी, सी डी ये भी बराबर है। तो इसका मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर होगी, यानी कि क्या हो गया, कौन सा नियम लग गया, एस 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 सर्वांग समता, एस 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 सर्वांग समता से दो त्रिभुजें सर्वांग सम होगी, और अगर ये सर्वांग सम होगी तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, ये वाला कोण बराबर है कोण सी बी डी, सी बी डी, इस वाले कोण के, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। अब देखो इसमें जो कॉमन आर्म है, जो सांझी भुजा है, वो क्या आई है, बी डी, यानी कि बी डी जो है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, क्योंकि हमने इसको इसके बराबर दिखा दिया। तो हमने लिख दिया कि बी डी कोण बी का को समद्विभाजित करता है, तो कोण बी का तो हो गया, अब किसका रह गया, कोण डी का। अब देखो अगर त्रिभुजें सर्वांग सम है तो एक को, एक कोणों का सेट तो ले लिया, हम दूसरा सेट फिर लिया हमने, कोण ए डी बी, ए डी बी, तो यहां पे क्या बनेगा, सी डी बी, तो कोण ए डी बी, ए डी बी, ये वाला कोण, और कोण सी डी बी, सी डी बी, इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और कॉमन आर्म यहाँ पे भी हमारे पास डी बी है, यानी कि ये जो डी बी है या बी डी है, कोण डी को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बी डी विकर्ण है, जो विकर्ण बी डी है, वो कोण बी को भी और कोण डी को भी, दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के टाइप का ही है, कोई ज़्यादा सा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप इसी तरह से जैसे जैसे अगले क्वेश्चन पे पढ़ते चलेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन क्वेश्चंस में वो बढ़ता चलेगा, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो प्रैक्टिस है, वो बढ़ती चलेगी, और आपकी इस टॉपिक में और साथ ही साथ गणित विषय में रुचि भी बढ़ती चलेगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।